नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अल्टीमेट नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामुद्रिक शास्त्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र एक ऐसा शास्त्र जिसमें किसी भी मनुष्य के शरीर की बनावट को देख करके उसके भविष्य, उसकी आदतों और उसके व्यवहार के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में बताया गया है और इसमें यह बहुत ही अच्छे से उल्लेख किया गया है कि हमारे शरीर की किस प्रकार बनावट होती है, क्योंकि हमारे शरीर की बनावट हमारे व्यवहार और हमारे भविष्य को भी बताती है। सामुद्रिक शास्त्र ज्योतिष विज्ञान की एक शाखा है और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कान के बारे में। क्या कभी आपने अपनी कान की बनावट को अच्छे से देखा है? अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर देखेंगे और अपने बारे में कुछ न कुछ अच्छे से समझ जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आइए जानते हैं कि जिन व्यक्तियों के कान छोटे होते हैं वह व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं। जिन व्यक्तियों के कान छोटे होते हैं वह व्यक्ति बहुत ही कंजूस होते हैं, लेकिन इन व्यक्तियों पर आप आंख मूंद करके विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी भी आपके साथ विश्वासघात नहीं करते। कंजूस होने के कारण यह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सा धन संचय करते हैं, साथ ही साथ अपने समाज में मान सम्मान पाते हैं। और इन व्यक्तियों के अंदर जो सबसे विशेष गुण होता है वो होता है किसी भी कार्य को ना करना। यह व्यक्ति किसी भी कार्य के प्रति ना नहीं करते, इसी कारण यह व्यक्ति अपने समाज में मान सम्मान पाते हैं, अपने जीवन में धन संचय करते हैं तथा अपना जीवन सफलतापूर्वक व्यतीत करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के कान बहुत ही छोटे होते हैं तो ऐसे व्यक्ति भगवान भरोसे होते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करते हैं, लेकिन यह लोग किसी भी व्यक्ति से अपना काम निकलवाने में अव्वल दर्जे के होते हैं। अपना काम निकलवाने के मामले में इन व्यक्तियों को बहुत ही ख्याति प्राप्त होती है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अपने स्वभाव से चंचल तथा धोखेबाज भी होते हैं, क्योंकि इन लोगों को अपना जीवन मौज मस्ती से जीने में ज्यादा मजा आता है। यदि किसी व्यक्ति के कान लंबे हैं तो वह व्यक्ति बहुत ही परिश्रमी, कर्मठ और अपने काम के प्रति समर्पित होता है। जिन व्यक्तियों के कान लंबे होते हैं ऐसे व्यक्ति किसी भी विषय पर बहुत विचार करते हैं और बहुत विचार विमर्श करने के बाद ही कोई फैसला लेते हैं। अपनी विचार शक्ति के कारण ऐसे लोग किसी भी काम में ख्याति प्राप्त करते हैं तथा अपने भविष्य को बहुत अच्छे से प्लान करते हैं। जिन लोगों के कान लंबे होते हैं वह लोग अपनी बुद्धिमत्ता और वाक शक्ति में निपुण होते हैं। अपनी वाक शक्ति होने के कारण यह लोग किसी को भी प्रभावित कर लेते हैं। अपने इसी गुण के कारण इन लोगों के हर आदमी से अच्छे संबंध होते हैं। यदि आप ऐसे लोगों को कोई कार्य देते हैं तो आपका काम बिल्कुल समय पर पूरा हो जाएगा। जिन व्यक्तियों के कान बहुत चौड़े होते हैं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त करते हैं, क्योंकि इन व्यक्तियों को अपने जीवन में जो भी अवसर मिलता है वह उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को आप कभी भी अवसरवादी नहीं कह सकते, क्योंकि यह लोग अपनी प्रकृति से बिल्कुल ही अवसरवादी नहीं होते। साथ ही साथ ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों के कान चौड़े होते हैं वह लोग अपने जीवन में अधिक आयु तक जीते हैं। जिन व्यक्तियों के कान अधिक चौड़े होते हैं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में और अपने समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं और अपना जीवन सुख सुविधा के साथ बिताते हैं। जिन व्यक्तियों के कान अधिक मोटे होते हैं ऐसे व्यक्ति हिम्मत वाले तथा अपने नेचर से बहुत डेयरिंग होते हैं। इन लोगों में नेतृत्व करने की और लीडरशिप करने की क्षमता बहुत ही कमाल की होती है। इसीलिए ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों के कान अधिक मोटे होते हैं वह लोग अपना करियर राजनीतिक क्षेत्र में ही बनाते हैं। इसीलिए तो एक कहावत भी है कि राजनेताओं के कान बहुत मोटे होते हैं, उन लोगों तक जनता की आवाज ही नहीं जाती। अब आप चाहें तो इस बात को एक मजाक समझ सकते हैं या फिर एक इत्तेफाक, लेकिन यह बात अपने आप में पूर्णतः सत्य है। जिन लोगों के कान अधिक लंबे होते हैं ऐसे लोग दीर्घायु होते हैं और अपने जीवन में मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह लोग अपने स्वभाव से बहुत मेहनती होते हैं और अपने मेहनत के बल पर यह लोग किसी भी बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इन लोगों में जो सबसे ज्यादा बुरी बात होती है वह यह होती है कि ऐसे लोग अपने स्वभाव से काम, क्रोध और लालच की भावना में बहुत आगे होते हैं। अपनी इसी बुराई के कारण यह लोग अपने जीवन में सदा एक जैसा जीवन नहीं जीते। वहीं जिन लोगों के कान काले और रूखे होते हैं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में शुभ और अच्छे नहीं माने जाते। ऐसा कहा जाता है कि जिन व्यक्तियों के कान काले होते हैं उन लोगों को अपने जीवन में
बहुत संघर्ष और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों का अधिकतर जीवन संघर्ष और परेशानियों में ही बीत जाता है। लेकिन जिन लोगों के कान कनपट्टी से लगे होते हैं, ऐसे लोग बुद्धिमान और काबिल होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों के कान कनपट्टी से लगे होते हैं, वह लोग अपनी बुद्धिमत्ता और काबिलियत के बल पर अपने जीवन में बहुत सारा पैसा कमाते हैं और अपना जीवन सुख सुविधा और वैभवता के साथ बिताते हैं।